इंद्रियों से परे है। आंख बंद करके सोचते हैं कोई ब्रह्म है, बड़ा भारी ब्रह्म है, फैला हुआ ब्रह्म है, बड़ी उम्र वाला ब्रह्म है, ऐसा ऐसा ब्रह्म है। बोले नहीं, साक्षात छिपा हुआ ब्रह्म नहीं, प्रगट ब्रह्म तुम हो साक्षात। बोले फिर साक्षात होगा तो जन्म मरण वाला होगा कि नहीं? अनाद्यंता न आदि है न अंत है, आदि अंत से रहित माने जन्म मरण से रहित ब्रह्म और साक्षात है। तो बोले कि बिल्कुल साक्षात हो गए और जन्म मरण से रहित हो गए, ऐसा होना तो संभव नहीं है। जो इंद्रियों से साक्षात विषय बनेगा उसका जन्म मरण होगा। बोले नहीं, अपावृतम आवरण भंग हो जाने से तुम साक्षात हो। जब तक अविद्या का आवरण है तब तक साक्षात अपरोक्ष आत्मा होने पर भी लोग तुम्हें पहचान नहीं सकते, और अविद्या का आवरण भंग हो जाता है तब पहचान लेते हैं। अपावृतम माने आवरण रहता, आवरण से रहित हैं, स्वतंत्र है। सर्वेशाम विभावानाम प्राण स्थितियोद्भव। बोले मैं तो व्यक्ति हूँ। बोले व्यक्ति नहीं, माने मैं तो व्यक्ति माने समझो, ये व्यक्ति का तो बड़ा मजेदार है। व्यक्ति माने व्यंजन, व्यंजन खाते हो ना, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा सरबरा, तरह तरह के व्यंजन बना के जो खाते हैं उसी को व्यक्ति बोलते हैं। व्यंजनम, व्यंजनम व्यक्ति, व्यंजन का नाम ही व्यक्ति है। जो विशेष रूप से अंजन माने प्रकट हो गए, अंजु व्यक्ति रक्षण कांत व्यक्ति को, तो व्यंजन वो है जो जीभ है, जीभ को तरह तरह से जो स्वाद देता है उसको व्यंजन बोलते हैं, और आंख को जो तरह तरह से स्वाद देता है उसको व्यक्ति बोलते हैं, है ना? ये व्यक्ति जो है ना, आंख का व्यंजन है, आंख का भोग। जैसे जीभ के लिए तरह तरह के रसीले पदार्थ, चटपटे पदार्थ होते हैं, वैसे आंख के लिए भी तरह तरह के रसीले और चटपटे पदार्थ होते हैं। इसका नाम होता है व्यक्ति। जीभ के भोग का नाम व्यंजन और आंख के भोग का नाम व्यक्ति। तो ये मैं तो व्यक्ति हूँ कि नहीं, संसार में कितने व्यक्ति हैं, क्या स्थावर या क्या जंगम। सर्वेशाम भावानाम प्राण स्थिति अप्ययोद्भव। प्राण पाक है, संसार में कितने भाव हैं, स्थूल अथवा सूक्ष्म, प्रगत अथवा अप्रगत, सबकी रक्षा, सबकी स्थिति, सबकी उत्पत्ति और सबका प्रलय आप में ही होता है, अर्थात सबके उपादान कारण आप ही हैं। सबकी रक्षा आप करते हैं, सब आप में स्थित हैं, सब आप में ही पैदा होते हैं और सब आप में ही समा जाते हैं। आप जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण हैं, आपसे जुदा और दूसरा कोई नहीं है। उच्चावतेषु भूतेषु दुर्गेयम् अकृतात्मभिः वासते त्वाम् भगवन् याथातथ्येन ब्राह्मणा। उच्चावतेषु भूतेषु, चाहे कोई छोटा भूत हो चाहे बड़ा भूत, भगवान के सिवाय अगर कोई चीज मालूम पड़ती है तो उसका नाम होता है भूत, बोला। ये शास्त्र की बस मर्यादा ही समझ लो, ये वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है कि यदि तुम्हें तुम्हारी दृष्टि में भगवान के सिवाय कुछ दिखता है तो क्या है? बोले भूत है, भूत। जैसे पीठ में भूत दिखता है और वो होता नहीं है, इसी प्रकार ये परब्रह्म परमात्मा में जो परमात्मा के सिवाय तुमको दिख रहा है वो भूत है। ले आकाश क्या है? तो भूत है। वायु क्या है? तो भूत है। अग्नि क्या है? तो भूत है। भूत है माने बिना वही दिख रहा है। जल क्या है? भूत है। पृथ्वी क्या है? भूत है।
ये पशु पक्षी मनुष्य क्या है का भूत है। अगर कोई चीज ईश्वर से अलग है तो वो भूत है, भूत ही सर्वोपरि है। भूत माने पैदा हुआ और मरने वाला, जो किसी दिन पैदा हुआ और किसी दिन मर जाएगा उसका नाम भूत है। तो ये भूत कई किस्म के होते हैं, भूत भी होती है, भूतानी भी होती है, भूत का बेटा भी होता है। ऐसे हमारे एक महात्मा थे वृंदावन में, पलटू बाबा उनका नाम था, तो कहते थे भूत भी है भूतानी भी है, भूत भूतानी उसका बेटा उसकी बेटी, यही सब तो सृष्टि है। तो चाहे भूत छोटा हो चाहे बड़ा, सब में भगवान बैठे हुए हैं। बोले तो भूत में सब लोग पहचान क्यों नहीं लेते, दुर्गेयम अकृतात्म भी, जिन्होंने महात्माओं का संग करके और अपने इंद्रियों को और मन को वश में करके आत्मशुद्धि प्राप्त नहीं की है, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वे लोग इन भूतों में परमात्मा को पहचान नहीं सकते। उन्हें भूत ही दिखते हैं, परमात्मा नहीं। भगवान ने ये डरावना रूप धारण इसलिए किया, भूत रूप धारण इसलिए किया कि लोग इधर से जरा डरें, ये भगवान का काल रूप है, इसको देखना छोड़ करके मेरे असली स्वरूप को देखें। ये खेल करने के लिए ये सृष्टि का रूप प्रकट किया है। दुर्गेयम अकृतात्म भी, महात्माओं का संग करके जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है, मन को शुद्ध नहीं किया है, वो इन भूतों में रहने वाले परमात्मा को पहचान नहीं सकता। पहचानते थे देखो नामदेव जी, भले बने हो लंबकनाथ, कहीं रास्ते में जंगल में जा रहे तो देखा बड़ा भारी भूत, जोजन भरभरा, माथा आकाश में और पांव धरती में, और जोजन जोजन भर के हाथ दिखे, देखा तो दूसरा कोई हो तो डर जाए। उन्होंने कहा पहचान गया महाराज, पहचान गया, भले बने हो लंबकनाथ। तो जो अपने मन को वश में करके सत्संग करके शुद्धांतकरण हो गया है, वो इन भूतों में भगवान को देखता है, और जिसका अंतकरण शुद्ध नहीं है वो भगवान में भूतों को देखता है ना, उसको भगवान नहीं दिखते, भूत दिखते हैं। उपासते त्वाम भगवन याथा तथ्येन ब्राह्मणाहा, एक पुस्तक थी वो, एक महात्मा थे पहले मेरठ जिले में, उन्होंने हिंदी में उर्दू में किताब लिखी थी, उसका नाम था सच्चिदानंद का अनुभव, बहुत मजेदार थे, रोचक रोचक थी बोले। तो उसमें ये लिखा था कि ये महाश्मशान चेत रहा है, शंकर जी का महाश्मशान चेत रहा है, और ये अद्वैत श्मशान में जहां दूसरा कोई है ही नहीं, ये सब मुर्दे ही नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, जनेऊ कर रहे हैं, ये सब मुर्दे में ऐसी शंकर जी ने सब साधना की है कि ये मुर्दे ही जो है, मुर्दे ही जो है ये नाच रहे, हंस रहे, खेल रहे, बोल रहे, ऐसी सब साधना हो रही है। उपासते त्वाम भगवन याथा तत्येन ब्राह्मणा, हे भगवन तुम्हारे यथार्थ स्वरूप को ब्राह्मण माने ब्रह्मज्ञानी, जो वेद के यथार्थ अभिप्राय को जानते हैं, ब्राह्मण शब्द का यह अर्थ है, जो वेद के यथार्थ तात्पर्य को जानते हैं, वेद तात्पर्य विदः ब्राह्मणः, वो भगवान की कैसी उपासना करते हैं कि याथा तत्येन त्वाम उपासते, यथार्थ रूप से तुम्हारी उपासना करते हैं, वो जानते हैं इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुः, एक ही परमात्मा को इंद्र कहते हैं, मित्र कहते हैं, वरुण कहते हैं, अग्नि कहते हैं, वही राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। यथार्थ रूप से वेद तात्पर्य वेत्ता ब्राह्मण गण सर्वरूप में तुम्हारी उपासना करते हैं। ये सुजय सुच भावेशु भक्त्या त्वाम परमर्षयः,
उपासीना प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्वत्त्वमे। अब ये बात बता रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि लोग परमर्षि लोग, ये ऋषियों के बहुत सारे भेद होते हैं। एक ब्रह्मर्षि होते हैं, एक राजर्षि होते हैं, एक देवर्षि होते हैं, एक परमर्षि होते हैं, एक कांडर्षि होते हैं। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मर्षि होने के लिए तपस्या की थी तो कितने कितने हजार वर्ष तपस्या करने के बाद सब ब्रह्मा उनको कहते थे राजर्षि, है ना? अरे राम राम, हम राजर्षि होना नहीं चाहते हैं। अच्छा महर्षि नहीं, या फिर हजारों वर्ष के बाद भाई ब्रह्मर्षि तो तब होंगे जब वशिष्ठ कहेंगे कि ब्रह्मर्षि। वाल्मीकि रामायण में ये कहता है। तो प्राचीन काल में ऋषि शब्द का जो व्यवहार है वो मंत्र द्रष्टा के लिए होता था। तो विश्वामित्र के लिए ऋषि शब्द का व्यवहार तो हो नहीं था क्योंकि वो गायत्री मंत्र के द्रष्टा है। गायत्री मंत्र का द्रष्टा कौन है? विश्वामित्र ऋषि ही। विश्वामित्र उसके ऋषि है। द्रष्टा माने चीज पहले से मौजूद हो लेकिन लोगों को मालूम न हो। ध्यान करने से, समाधि करने से अपने अंतःकरण में ऐसी योग्यता आ जाए, वो दिखने लग जाए। तो वेद मंत्रों के जितने द्रष्टा हैं उनको बोलते हैं ऋषि। पहले ये नहीं था कि अपने बेटे का नाम जैसे रखते हैं ना, तो अपने बेटे का नाम कोई ब्रह्मज्ञानी रख ले तो क्या किया जाए। अब पंजाब में मैं गया हो तो वहां देखा तो जने जने के नाम के साथ ज्ञानी है ना, फलाने सिंह ज्ञानी है, ढिकाने सिंह ज्ञानी है, ढक्कन सिंह ज्ञानी, फक्कन सिंह ज्ञानी है ना। तो ये ज्ञानी क्या होता है? तो मालूम हुआ कि वहां एक परीक्षा होती है, तो वो परीक्षा देने के बाद ज्ञानी की उपाधि मिलती है, जैसे हिंदी में विशारद है ना, ऐसे कोई ज्ञानी परीक्षा हो। ऐसे ऋषि जो है ना, जो चाहे तो अपने नाम के साथ ऋषि जोड़ ले। यानी ऋषि उसको बोलते हैं जिसने सृष्टि के आदिकाल में प्रलयकालीन लीन मंत्रों का दर्शन किया, उसके लिए शास्त्र में ऋषि शब्द का व्यवहार होता है। उनमें सनकादि जो है ये परमर्षि हैं, नारद देवर्षि हैं, वशिष्ठ ब्रह्मर्षि हैं, जनक आदि राजर्षि हैं, अश्वपति, अश्वपति आदि, अश्वपति भी हैं वेद के द्रष्टाओं में से, अश्वपति आदि जो हैं ये राजर्षि हैं। कोई कांडर्षि होते हैं, एक जरदस्ती ऋषि का भी नाम आता है, जरदस्ती ऋषि, बड़े विचित्र विचित्र। तो ये परमर्षि लोग जिस जिस भाव में, जिस जिस वस्तु में बड़ी भक्ति के साथ भगवान की आराधना करते हैं, तो ये आराधना करने का अभिप्राय क्या है? आप देखो कि जैसे एक तेजस तत्व है, तेज जिसको बोलते हैं समझो, तो है तो सब जगह, लकड़ी में भी है, आपके शरीर में भी है, मकान में भी है, धरती में भी है, पानी में भी है, लेकिन सूर्य के रूप में वो जितना उत्कृष्ट रूप से प्रकट हुआ है, तेज सूर्य भी तेज है और तुम्हारे घर में जो लकड़ी रखी है उसमें भी तेज है, कोयले में भी तेज है, परंतु तेज जो है ये पृथ्वी की उपाधि से कोयले में और लकड़ी में ढक गया है और सूर्य के रूप में तेज जो है वो ढका नहीं है, प्रकट है। तो तेज की उपाधि से यदि ईश्वर की उपासना करनी हो तो सूर्य में करना या प्रगट अग्नि में करना, घर में जला के, घर में सूर्य को जला नहीं सकते तो घर में अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें करना, इसी का नाम विभूति है। देखो गंध तन्मात्रा तो सब में है, तो मिट्टी की सभी चीजों में, एक मिट्टी का डला ले लो उसमें भी गंध है, लेकिन गुलाब में जो गंध प्रगट हुई है या चमेली में, बेला में, कमल में जो गंध प्रगट हुई है वो एक विशेष उपाधि के द्वारा विशेष रूप में, विशेष रूप में वहां गंध प्रकट हुई है। जल तो सब है लेकिन गंगा जल एक विलक्षण जल है,
शीतलता तो सबको मिलती है, लेकिन चंद्रमा को एक विलक्षण शीतलता मिलती है। इसी का नाम विभूति होता है ना, इसी का नाम विभूति होता है। सामान्य रूप से परमात्मा सब जगह है, लेकिन जिन जिन भावों में, जिन जिन पदार्थों में उपाधि की निर्मलता के कारण जहां बुद्धि शुद्ध हुई और ज्ञान के रूप में प्रकट हुआ, जहां मन शुद्ध हुआ प्रेम के रूप में प्रकट हुआ, जहां चरित्र शुद्ध हुआ और धर्म के रूप में प्रकट हुआ, जहां द्रव्य शुद्ध हुआ और पारद के रूप में प्रकट हुआ, तो भाई वहां 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 उपासना के लिए महात्मा लोग उस वस्तु की का आदर करते हैं, उस व्यक्ति का आदर करते हैं। जिसका जीवन निर्मल हो गया उसका आदर करते हैं, जिसका मन निर्मल हो गया उसका आदर करते हैं, जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई उसका आदर करते हैं। तो यही महात्मा लोग विभूति की उपासना इसी प्रकार से करते हैं। उपासीना प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्वदस्वमे। उपासीना माने जो वस्तु शुद्ध दिखती है, निर्मल दिखती है, उसके पास जा करके बैठ गए और संसिद्धि मिल गई। संसिद्धि मिल गई का अर्थ क्या हुआ? गंगा किनारे जाके बैठे, गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं, मन शांत हुआ, निर्मल हुआ, समाधि लग गई। अब महात्माओं के मन में ये प्रेरणा हुई, भाई गंगा जी के किनारे बैठने से समाधि लगती है, यहाँ भगवान की किसी कुछ विशेष विभूति है, यहाँ बैठो। उपासीना उप माने पास और आसीन माने बैठना। उपासना पास बैठना, जिसके पास बैठने से चित्त में निर्मलता आवे, शांति आवे, ईश्वर की विशेष शक्ति का आदर भाव होवे, उसको विभूति बोलते हैं। गूढ़श्चरसि भूतानाम भूतानाम भूत भावनः नत्वाम पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते। उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, गूढ़श्चरसि भूतात्मा, तुम जरा छिप करके विचरण करते हो। अस्फुटः ओढ़नी ओढ़ के, पहले रिवाज थी ना कि लोग अपने को जाहिर करना पसंद नहीं करते थे। ये जब अखबारों का युग नहीं था, हो अभी 20-30 वर्ष पहले भी लोग अपने को जाहिर करना पसंद नहीं करते थे। अब तो विज्ञापन का युग है ना, अपने को जाहिर करो, जाहिरात। तो ईश्वर तो पुराने जमाने का है, वो कोई नए जमाने का थोड़े ही है, हैं? कि यहाँ होके सब जगह घूमता फिरे, है ना? कि जितना अपना शरीर दिखाओ। एक बार हमारे समझो मित्र ही हजारी प्रसाद द्विवेदी, बड़े अच्छे साहित्य के हैं, साहित्य हमारे उधर के ही है, बलिया के हैं, तो वो थे शांति निकेतन में, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर का, वहां पढ़ाते थे। तो एक दिन वो तो ब्राह्मण पंडितों का तो स्वभाव ही समझो, सब कपड़ा लगता निकाल दिया, बस धोती पहने हुए और उस पेड़ के नीचे बैठ के कुछ पढ़ रहे, और कुर्ता उर्ता निकाल के अलग टांग दिया था। इतने में घूमते हुए रवि बाबू वहां आ गए। अब रवि बाबू आए तब तो बड़ा सचुचाए, और उठ के जल्दी से वो अपनी धोती जो पहने हुए थे ना, उसी का फेटा खोला और अपने कंधे पर डाल लिया, ओढ़ लिए, है ना, ओढ़ के खड़े हो गए। तो रवि बाबू हंसने लगे, तो बोले कि कोई शर्म करने की कोई बात नहीं है, संस्कृत पढ़े लिखे पंडित को और अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़की को आधा नंगे रहने का हक जन्म से ही प्राप्त है। तो वो अपने शरीर को जितना खुला रखे हैं उनको माफ है भाई। तो अब भगवान जो है वो न तो संस्कृत पढ़े लिखे पंडित और न तो अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़की, वो तो पुराने जमाने के हैं। तो वो कैसे रहते हैं दुनिया में? गूढ़श्चरसि, वो छिप करके विचरण करते हैं, अपने को ढके रखते हैं। काहे से ढकते हैं? कि नाम रूप से ढकते हैं। है तो अनाम अरूप, नाम रूप का ही ढक्कन डाल करके अपने ऊपर विचरण करते हैं। कहाँ रहते हैं? बोले भूतात्मा, ये जितने भूत हैं
जीव माने प्राणी पदार्थ, ये वस्तुएं व्यक्ति, इनके प्रेरक के रूप में, इनके अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं। और भूतानाम भूत भाव सबके प्रेरक भी हैं और सबके जन्मदाता भी हैं। तीन बात इसमें कही गई है, एक तो संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों के जन्मदाता हैं, दूसरे सबके अंतर्यामी हैं, तीसरे सब में छिप करके ही विचरण करते हैं। नत्वाम पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तम् मोहितानि ते। तो भाई फिर जब सब में है तो सब लोग उनको देखते क्यों नहीं? तो देखते इसलिए नहीं है कि भूतानि त्वाम न पश्यन्ति। सब जगह भगवान है और भगवान सबको देख रहे हैं, पश्यन्तम् हैं और सबको देख रहे हैं और सबको वो एक एक छींका आनंद का भी दे रहे हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको 24 घंटे में थोड़ा बहुत मजा न दें, थोड़ा बहुत मजा भी देते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान भी देते हैं और थोड़ा बहुत सद्भाव भी देते हैं, सच्चरित्रता भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी दिन भर सब दुष्चरित्र ही रहे और दुर्भाव ही रहे और अज्ञान ही रहे और दुख ही रहे, ऐसा नहीं। सब जगह रह करके सबको कुछ न कुछ पास दे रहते हैं और सबको देखते रहते हैं, सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहे हैं। परंतु ते मायया ते सब मायया मोहितानि भूतानि पश्यन्तम् त्वाम न पश्यन्ति। परमात्मा तो सबको देख रहा है लेकिन लोग परमात्मा को नहीं देखते क्योंकि उसकी माया से मोहित हो गए हैं। अलग अलग नाम तो उनकी समझ में आता है और अलग अलग रूप भी समझ में आता है, लेकिन सब नामों में और सब रूपों में जो परमात्मा है वो उनकी समझ में नहीं आता। वो तो सबको टुकुर टुकुर देख रहा है। एक भक्त जी थे, वो कहते थे बहुत आनंद से, देखो परमात्मा तो सबको देख रहा है और सबको चाह भी रहा है और सबसे प्यार भी कर रहा है। भगवान ने इसीलिए कुर्ता नहीं पहना हो, कुर्ता कमीज कोट कुछ नहीं पहना, खुली छाती अपनी खुली रखी और दोनों हाथ फैला के रखा, आओ आओ मेरे प्यारे जीओ, आओ मेरे हृदय से लग जाओ। अनादिकाल से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये संसार में भटकते जीव भगवान की ओर चले, भगवान के हृदय से लगे। वो तुम्हारी इंतजार में है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर आशा लगाए हुए हैं कि ये जीव कभी न कभी घूम फिर करके हमारी ओर आएंगे। वो तुम्हारी प्रतीक्षा में है, आशा लगाए हुए हैं। लेकिन मनुष्य को ये पता ही नहीं चलता कि हमारा कोई सच्चा प्रेमी है, हमारी इंतजार कर रहा है, हमारे लिए हाथ। जीव को हम अपने हृदय से लगावे, जीव को इस बात का पता ही नहीं चलता है। क्यों? तो वो दूसरी ओर देखने लगा, वो तो माया की ओर देखने लगा, जादू का खेल, जादू का तमाशा, नाम रूप देखने लगा। तो जाकाश्च भूमौ विदिदैरसायां विभूतयो दिक्षु महाविभूते ताम मध्यमाख्यायनुभाविताऽस्ते नमामि ते तीर्थपदाङ्घ्रिपद्मम्। हे महाविभूते, महाविभूते का अर्थ है कि और किसी की विभूति हो तो एक एक जगह प्रकट होए। महाविभूति का अर्थ है जिसकी विभूति सर्वत्र है, देह में, इंद्रियों में, मन जिसकी विभूति है। शरीर में देखो, शरीर में अनेक विभूति मिलेगी, इंद्रियाणाम मनश्चास में बुद्धिर्बुद्धिमताम चाम, बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धि के रूप में भी हुई। हमारे शरीर में भी भगवान है बोला, तो उसकी विभूतियां तो प्रगट ही हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं महाविभूते। पृथ्वी में, स्वर्ग में, रसातल में, दिशाओं में जितनी भी विभूतियां आपकी फैली हुई हैं और आपके अनुभव से, आपकी किसी शक्ति से संयुक्त हैं, जिनमें जिनमें आपने अपनी कोई शक्ति भर दी है उनका आप वर्णन कीजिए। नमामि ते,
तीर्थपदा अंग्रिपद मम हे तीर्थपद, जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं वहाँ वहाँ तीर्थ हो जाता है। तो हे तीर्थपद हम आपके अंग्रि पद्म को, अंग्रि पद्म को मन पाद पद्म को चरण कमल को नमस्कार करते हैं। श्री भगवान वाचो एवमेतदहं पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदाम्बर जिजित्सुना विनतने सपत्नैरर्जुनेन वै ज्ञात्वा ज्ञातिबद्धं गर्ह्यं अधर्मं राज्यहेतुकं ततो निवृत्तो हन्ताहं हतोऽयमिति लौकिकः स तदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः अद्य भास तमामेवम यथा त्वम रणमूर्धनि। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव तुम प्रश्न देवताओं में श्रेष्ठ हो, क्योंकि प्रश्न करना भी सबको नहीं आता है। ऐसा नहीं समझना कि पूछने में क्या रखा है। अगर आदमी अपने दिल का सच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा तो प्रश्न करते समय वो इस ढंग से पूछ बैठेगा कि उत्तर देने वाले की भी बताने में होवे ही नहीं। प्रश्न जब सच्चा होगा, पंडितों की बात दूसरी, जो शास्त्रार्थी लोग हैं उनकी बात दूसरी, और शास्त्रार्थी लोगों से तो कुछ भी पूछो वो तुमसे घंटे दो घंटे चार घंटे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। साधुओं में भी शास्त्रार्थी होते हैं और पंडितों में भी होते हैं। हम लोग काशी में थे जब शास्त्रार्थ देखने के लिए जाया करते थे, तो महाराज शास्त्रार्थ करते करते घुटनों के बल बैठ गए और वो हाथ जो है वो जो होने लग गया है, बोले कहीं शस्त्रार्थ न हो जाए भाई। तो ऐसा प्रश्नोत्तर शास्त्रार्थ का शस्त्रार्थ नहीं बनाना। फिर तो कोई तो शरारत ही कहते थे कि ये शरारत है। शास्त्रार्थ माने शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय। तो जब प्रश्न स्थान पर ठीक जगह पर बैठ के होता है, उसमें क्या बात समझ में नहीं आ रही है ये बात जब प्रश्न में से निकल जाती है तो उत्तर तो उसका क्षण भर में निकल जाता है। प्रत्येक प्रश्न में ही उसका उत्तर मौजूद रहता है। तो प्रश्न के रहस्य को मर्म को जानने वालों में श्रेष्ठ उद्धव, जैसा प्रश्न तुमने मुझसे किया है ऐसा ही प्रश्न कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब शत्रुओं से युद्ध का समय था तब जुजुत्सु अर्जुन ने मुझसे किया था। देखो भक्त भक्त का हृदय मिल गया। जो प्रश्न अर्जुन के हृदय में उठा था वही उद्धव के हृदय में उठा, दो भक्तों का हृदय मिल गया। इसलिए उद्धव तुम प्रशंसनीय हो कि ऐसा प्रश्न करते हो। ये प्रशंसा करने की एक अच्छी रीति है। वो अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के हृदय के समान ही अर्जुन का भी हृदय था और अर्जुन के हृदय के समान ही उद्धव का भी हृदय है। इसलिए उद्धव को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अर्जुन को तो भगवान अपना सखा समझते थे, उसी की कोटि में हमको भी बैठा रहे हैं। ज्ञात्वा ज्ञातिबद्धं गर्ह्यं अधर्मं राज्यहेतुकम्। अर्जुन ने ये निश्चय किया कि अपने जाति भाई के लोगों को मारना अत्यंत निंदित है, अधर्म है, और फिर राज्य के लिए मारना तो अत्यंत निंदित और अधर्म है। इसलिए अर्जुन की निवृत्ति हो गई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें लौकिक बुद्धि प्राकृत बुद्धि का संचार हो गया। निवृत्तो ततो निवृत्तो हन्ताहं हतोऽयमिति लौकिकः। लौकिक बुद्धि क्या है, कहिए है मारने वाला और मैं हूँ मरने वाला, देहात्म बुद्धि के अंदर फंस करके और वो युद्ध भूमि से अपने धर्म से विमुख हो गया। तदा स तदा पुरुष व्याघ्रो
युक्तिया नहीं प्रतिबोधित है। क्योंकि जो धर्म का नाश करने वाले होते हैं वो ऐसी ऐसी युक्ति करते हैं कि मनुष्य उनके सामने चकरा जाता है कि हमको क्या करना चाहिए। एक रामायण में मैंने कथा पढ़ी थी कि जब रावण ने देखा कि सीधे हमारा काम नहीं चलता है तो गो बाण का उसने प्रयोग किया। गो बाण ऐसे ऐसे बाण चलाए कि उनमें से गाय निकले और गाय निकल निकल करके बानरी सेना की ओर दौड़े और बानरों को मारे। अब तो श्री रामचंद्र लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लिए खड़े कि गाय पर बाण कैसे चलावे। विभीषण ने देखा कि अब सत्यानाश हुआ है ना। अब ये धर्म बुद्धि जो है धर्म बुद्धि नाश का कारण बनेगी। पहुंच गए महाराज आपके पास, क्या कोई माया शक्ति नहीं है? कहे तो बोले व्याघ्र बाण आपके पास है कि नहीं? कहे क्या आप दो बाण पर व्याघ्र बाण चलाइए। बाण पर बाण, जब व्याघ्र बाण चले महाराज, रामचंद्र के बाणों में से बाघ ही बाघ निकले। अब बाघ को देखते ही वो जो गौएं है ना वो सब महाराज अपना रूप छोड़ दें, बाण बन जाएं, और बाण बन जाएं तो इनके बाण भी बाण बन जाएं, बाण को बाण काट दे। तो युक्ति होती है। अर्ज सदा पुरुष भी आग्रह युक्तिया में प्रतिबोधिता। जो अधर्म की युक्तियों ने आकर के अर्जुन को रोका था धर्म युद्ध करने के लिए, उस पुरुष व्याग्रह को मैंने युक्तियों के द्वारा समझाया। अभ्यभाव तमाम एवं यथा शुभम रणनूर्धनि, जैसा प्रश्न तुम कर रहे हो ऐसे ही युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने मुझसे प्रश्न किया था और मैंने उसका उत्तर दिया था। अब वो उत्तर बताते हैं। अहम आत्मोद्भवामीशाम भूतानाम सुहृदीश्वरः अहम सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्भवाप्ययः अहं गतिर्गतिमतां कालः कलयतामहम् गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्य उत्पत्तिको गुणः। दसवें अध्याय में जैसी विभूति बताई गई है गीता के, उसी से मिलती जुलती विभूतियों का वर्णन इसमें भी है। तो स्थान का भेद है, श्रोता का भेद है, इसलिए थोड़ी भिन्न रीति से बात कही गई। ले अहम आत्मोद्भवामीशाम भूतानाम, गीता में भी तो यही है ना, अहम आत्मा उदाकेत सर्वभूताशयस्थित, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा मैं ही हूं। यहां भगवान ने आत्मा की जगह पर दो संबंध और बता दिए। जो परत है उसको देखो, हे उद्धव अमीशाम भूतानाम अहम आत्मा अहम सुरेश अहम ईश्वर। एक पहली बात तो है कि सबका आत्मा मैं हूं। ये आत्मा को विभूति क्यों कहते हो? तो आत्मा तो सबका स्वरूप ही है ना। बोले स्वरूप में और विभूति में तो फर्क होता है। बोले मुख्य, मुख्यता होने से पहले इसी का नाम लेते हैं। आत्मा का नहीं मुख्य है, परमात्मा जो है वो सबका आत्मा है। ये एक असलियत है, ये एक खास बात है, मुख्य बात है, पहले कहने लायक बात है। दूसरी बात है कि परम प्रेमास्पद है। सबसे ज्यादा प्रेम मनुष्य का आत्मा से होता है। तो कृष्ण भगवान को ये कहना है कि सब लोग हमसे ही प्रेम करते हैं। तो ये तो माने प्रेम के तो समझो भूखे हैं, प्रेम के प्यासे हैं, प्रेम के भिखारी हैं, हमसे प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो। बोले कि सब लोग हमसे प्रेम करते हैं। कैसे करते हैं? कि सबका आत्मा बन के सबके हृदय में मैं बैठता हूँ और अपने अपने से सब लोग समझते तो ये है कि मैं अपने से प्रेम कर रहा हूँ, लेकिन सबका आत्मा मैं हूँ तो सब मुझसे प्रेम करते हैं।
है। इसलिए सबके प्रेम का स्वाद लेने के लिए सबके हृदय में सबका आत्मा बन करके मैं बैठा हुआ हूं। सुहृद माने भलाई चाहने वाले, गुरु के रूप में मैं, मित्र के रूप में, सखा के रूप में, गुरु के रूप में, जिसका हृदय हमेशा वात्सल्य से पूर्ण रहे, हित से पूर्ण रहे। वृंदावन में इसको हित बोलते हैं, जिसका हृदय सदा हित से भरा हो, हित की भावना, इसका भला हो, इसका भला हो, इसको सुख मिले, इसका भला हो, उसको स्वरूप बोलते हैं। और ईश्वर माने स्वामी, अंतर्यामी, नियंता। अगर ये कहीं उच्छृंखल चलने लगे तो हम इसको काबू में भी कर लेते हैं। तीन बात बताए, परम प्रेमास्पद, परम हितैषी और अंतर्यामी के रूप में मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ हूँ। बोले महाराज अच्छा, भूतों के हृदय में तीन रूप में बैठे हुए हो, भूत माने हम ही लोग हो, दूसरा नहीं। ये नहीं समझना कि भूत कोई और होते होंगे, यही जो हम लोग बैठे हैं ना, इन्हीं का नाम यहाँ भूत है। माने हम सब लोगों के परम प्रेमास्पद आत्मा के रूप में भगवान, हमारे हितैषी के रूप में भगवान, हमारे अंतर्यामी के रूप में भगवान। फिर ये भूत कौन? बोले अहम सर्वाणि भूतानि, सब भूत भी मैं ही, देवता भी मैं ही और मंदिर भी मैं ही, इसका ही अर्थ हुआ। बोले पहले भगवान ने कहा कि सब मंदिरों में देवता के रूप में मैं बैठा हूँ। बोले कि अच्छा, देवता के रूप में आप हैं तो मंदिर के रूप में कौन है? बोले मंदिर के रूप में भी मैं ही हूँ, ये इसका अर्थ हुआ। मैं ही देवता और मैं ही मंदिर, मैं ही पुजारी और मैं ही पूज्य, भवा। बोले बाबा देखने में तो ये आता है कि इस पत्थर से मंदिर बनता है, पंचभूत से मनुष्यों का शरीर, प्राणियों का शरीर बनता है, तो आप कैसे? बोले कि ये जो पंचभूत है इनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब मुझ में होता है, इसलिए उपादान कारण होने के कारण सब मैं ही हूँ। अब विशेष विभूति का वर्णन करते हैं, अहं गतिर गतिमताम कालः कलयतामहं गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्युत्पत्तिको गुणः। जितने चलने वाले पदार्थ हैं, गति वाले पदार्थ हैं, इनमें मैं गति बन करके बैठा हूँ। कोई चीज हिलती है ना, तो हिलना उसका क्या है? अरे भगवान, एक पेड़ की ओर देखो, एक पत्ता हिल रहा है, एक फूल नाच रहा है, ये फूल में जो नृत्य है वो क्या है? वो पत्ते में जो स्पंदन है वो क्या है? बोले जितने गतिशील पदार्थ हैं उनमें गति बन करके मैं बैठा हूँ। गति माने शरणागति भी होता है। सब लोग मेरी ओर आ रहे हैं, जितने चल रहे हैं सब के सब मेरी ओर आ रहे हैं। और भगवान ने जो अपने 12 विशेषण बताए हैं ना गीता में, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास चरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम, है ना? ये भगवान ने 14 स्थान जो बताए हैं, 14 है, 12 नहीं 14 है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभव प्रयस्थानम निधानम बीजम अव्ययम। ये भगवान इसमें गति कौन है? तो भगवान गति माने ज्ञान, गति माने मोक्ष, गति माने प्राप्ति, गति माने गमन, सब भगवान की ओर जा रहे हैं। काल कलयतामहम, और जैसे गडेरिया भेड़ की गिनती करता है, आप लोग तो शहर के रहने वाले क्या जानते होंगे, बड़ी मुश्किल होती है वो जब हजारों भेड़ें होती हैं और 10 गडेरिये हैं, 10 गडेरियों के हजार हजार भेड़ हैं, सब एक साथ मिल के चरती हैं, और जब उनको महाराज अलग करना होता है शाम को, कि हजार उस खेत में जाएंगे बैठने को, हजार उस खेत में, उनकी उस खेत में, उनकी उस खेत में, उस समय गडेरिये क्या पहचान पहचान के अपनी भेड़ों को निकालते हैं, हजार की हजार गिन भी ली और अपनी अपनी भेड़ों को अलग कर लिया। आप देखेंगे तो सब एक तरीके मालूम पड़ेंगे,
पर गडरिये पहचानते हैं कि ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है। जैसे गडरिये अपने भेड़ को गिन गिन करके निकालते हैं, वैसे महाराज ये काल जो है ना, काल, ये काल क्या है? कि ये संसार में जो उसकी भेड़े है ना, भेड़े, उनको गिन गिन के किस सेकंड में कौन मरना चाहिए गिन के निकाल लेता, पांव पकड़ के खींच लेता है। गलयताम बसी कुर्वताम, संसार के प्राणियों को वश करने वालों में सबसे बड़ा कौन का काल है? काल। भगवान कहते हैं मैं काल हूँ, कालोस्मि लोकक्षयत्र प्रवृद्धा। सबकी गिनती कर रहे हैं, उम्र की गिनती, सबकी, सबकी उम्र काल गिनता रहता है। सब पूरी हुई, कितनी बढ़ रही है, कितनी घट गई, कोई गलती कभी नहीं होती। गणना करने वालों में काल है। गुणानाम चाप्यम साम्यम, गुण जो है सत्व रज तम, इनमें कौन? बोले समता। ये अद्भुत है, ये जो सत्वगुणी पुरुष है वो रजोगुणी और तमोगुणी को बहुत खराब समझते हैं, और जो रजोगुणी है वो सत्वगुणी को और तमोगुणी को खराब समझते हैं। सत्वगुणी को भी निकम्मा समझते हैं और तमोगुणी को भी निकम्मा समझते हैं। एक रजोगुणी भोग विलास में लगा हुआ बड़ा भारी कोई सेठ होगा ना, तो वो बाबा जी को तो, महात्मा को तो कहेगा कि भिकमंगे लोग धरती के बाहर हैं, है ना? और जो निकम्मा होगा उससे कहेगा कि आलसी है। वो सत्वगुणी की भी निंदा करेगा और तमोगुणी की भी, और तमोगुणी जो होगा वो कहेगा ये किस्मत के मारे दिन भर खटते रहते हैं, देखो हमको तो दास मलूका कह गए सबके दाता राम, हमारे घर में तो ऐसे ही रोटी पहुंच जाती है, कौन मेहनत करे। वो रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी दोनों की निंदा करेगा, और सत्वगुणी लोग रजोगुणी तमोगुणी दोनों की निंदा करते हैं। कहिए भोग विलास में फंसे हुए गृहस्थी लोग राम 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 से काम, ये तीनों आपस में लड़ते हैं, पर इनमें जो साम्य है ना, सब में एक परमात्मा है। उस साम्य के रूप में एक जो समता सब में है, बोले तो प्रलय काल में उक्त समता रहती है, जो समता नहीं सृष्टि काल में जो समता है, उस समता के रूप में भगवान है, है? आलसी में भी राम है, भोगी में भी राम है, साधु में भी राम है। साधु स्वपित पाप हेतु सम बुद्धिर विशेषियत है, चाहे कोई साधु हो चाहे पापी हो, बाबा सब में परमात्मा है। ये साम्य जो है बुद्धि में, ये सर्वोपरि है, ये परमात्मा की विभूति है। गुणिन्य उत्पत्ति को गुणा, और गुणी लोग जो है महाराज, इसका एक अर्थ यह है कि आकाश में शब्द, वायु में स्पर्श, अग्नि में रूप, ये सब गुणी में माने पदार्थों में जो औत्पत्ति जन्म सिद्ध जो गुण है वो मैं। दूसरा है औत्पत्ति गुण, समझो चिड़िया में उड़ने का गुण, ये मनुष्य में नहीं होता ना, चिड़िया में होता है। वह उत्पत्ति मन जन्म से ही गुण है, और मछली में पानी में तैरने का गुण, इनको सीखना नहीं पड़ता है। चिड़िया को उड़ना सीखना नहीं पड़ता, और मछली को पानी में तैरना सीखना नहीं पड़ता, अपने आप ही आ जाता है, औत्पत्ति है। अरे ईश्वर को पहचानना तो देखो, चिड़िया में उड़ने का जो गुण है ना वो ईश्वर है, ईश्वर। मछली में जो तैरने का गुण है वो ईश्वर है। प्रत्येक गुणी पदार्थ में जो जन्म से ही उसमें गुण रहता है, तो गुणिनाम अभ्याम सूत्रम महताम समानहम सूक्ष्माणाम अभ्यहम जीवो दुर्गयानाम अहम मनः। दूसरे जो गुणी हैं उनमें मैं सूत्रात्मा, समझो गुण कहते हैं बांधने की जो रस्सी है, एक त्रिगुणित है, तीन गुना एक रस्सी है, तो उसमें जो एक एक सूत है ना उसी से तो तीन गुण बनते हैं। तो जैसे एक सूत होने से ही एक 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 तीन हो जाता है, ऐसे जिस एक सूत्र के रहने से संसार में सारे पदार्थ गुणी बनते हैं वो मैं हूं, और महताम च महानम, और महान जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसमें मैं महत्त्व हूं। महान माने बुद्धि, समष्टि बुद्धि। बड़ी चीजें दुनिया में जितनी बड़ी चीजें हैं उनमें सबसे बड़ी चीज क्या?
हैं। बोले किसी ने कहा सोना बड़ा, किसी ने कहा चांदी बड़ा, हैं? ऐसे बड़ा 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 बताते गए। भगवान कहते नहीं, सबसे बड़ी चीज बुद्धि है और वो बुद्धि समष्टि की बुद्धि मैं हूँ। माताम च महानम सूक्ष्माणाम अत्यहम जीवो, और अत्यंत सूक्ष्म जो पदार्थ हैं उनमें बोले भगवान ने कहा कि मैं जीव हूँ, जीव से सूक्ष्म और कोई नहीं है, यही सबको देखता है। और दुर्गयाणाम अहम मनहा, जिनको जीतना मुश्किल है उनमें भगवान ने कहा मैं मन हूँ। हिरण्य गर्भो वेदानाम, वेदों में कौन हो दो को सबसे पहला पढ़ाने वाला, हिरण्य गर्भ मैं हूँ। हिरण्य गर्भ नहीं, वेदों को सबसे पढ़ा, पहले पढ़ाया। मंत्राणाम प्रणव प्रवृत, मंत्रों में कौन हो तुम तो प्रणव हूँ मैं। ओंकार अकार उकार मकार, प्रवृत जो प्रणव है वो मंत्रों में मैं हूँ। माने बिना ओंकार के, ओंकार जो है यही मंत्रों का पेट ही है। और वेद में जो मंत्र हैं उनमें बोले सब हूँ मैं, अर्थात गायत्री हूँ। पदानी माने तीन पद होता है ना, पदं च पदं च पदं च पदानी, पदानी माने त्रिपदा, त्रिपदा माने गायत्री, मैं गायत्री हूँ। इंद्रोहम सर्वदेवानाम वसूनाम अस्मि हव्यवात, देवताओं में मैं इंद्र हूँ और वसुओं में मैं अग्नि हूँ, हव्यवात माने अग्नि। आदित्यानाम हम विष्णु हूँ, रुद्राणाम नील लोहितः, अदिति के पुत्रों में मैं विष्णु हूँ और रुद्रों में मैं नील लोहित रुद्र हूँ। 11 रुद्रों में से नील लोहित रुद्र वेदों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मर्षीणाम भृगुरहम, राजर्षीणाम अहम मनु हूँ, देवर्षीणाम नारदोहम, हवर्धान्यस्मि धेनुषु। ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूँ, राजर्षियों में मैं मनु हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ और गायों में मैं कामधेनु हूँ। हवर्धानी माने कामधेनु। सिद्धेश्वराणाम कपिलः सुपर्णोहम पतत्रिणाम, प्रजापतिनाम दक्षोहम पितृणाम मर्यमा। सिद्धेश्वरों में मैं कपिल हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ, प्रजापतियों में दक्ष हूँ और पितरों में अर्जमा नाम का पितर हूँ। माम विद्युद्धव दैत्यानाम प्रहराद मसुरेश्वरम, उद्धव दैत्यों में मैं प्रहलाद नाम का असुरेश्वर हूँ। सोमम नक्षत्र औषधीनाम, नक्षत्र और औषधियों में उनका राजा मैं सोम चंद्रमा हूँ। धनेशम यक्ष रक्षकाम, यक्ष और राक्षसों में मैं धनेश कुबेर हूँ। ऐरावतम गजेन्द्राणाम यादशाम वरुणम प्रभुम, गजेन्द्रों में मैं ऐरावत हूँ जो समुद्र में से निकला था अमृत के साथ, उनमें मैं उनका स्वामी वरुण हूँ। सततां द्युमतां सूर्यम मनुष्याणाम च भूपतिम, और जो तपाने वाले और चमकने वाले हैं उनमें मैं सूर्य हूँ, और मनुष्यों में जो पृथ्वी की रक्षा करने वाला भूपति है वो मैं हूँ। उच्चैस्रवाः सुरंगाणाम धातूनाम अस्मि कांचनम, यमस्संयमताम चाहम सर्पाणाम अस्मि वासुकिः, घोड़ों में मैं उच्चैस्रवा हूँ और धातुओं में मैं कांचन हूँ, और मृत्यु के कारणों में मैं यम हूँ और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। नागेन्द्राणाम अनंतोहम मृगेन्द्र श्रृंगिदश्रीणाम आश्रमाणाम अहम तुर्यो वर्णानाम प्रथमो नग, नागेन्द्रों में मैं अनंत नाग हूँ और सिंह और ताड़ वालों में मैं मृगेन्द्र हूँ, और आश्रमों में चौथा आश्रम संन्यास हूँ और वर्णों में प्रथम वर्ण ब्राह्मण हूँ। तीर्थानाम श्रोतताम गंगा समुद्र सरतामहम, आयुधानाम धनुरहम त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम, तीर्थ और बहने वाले जल में मैं गंगा हूँ, और सरोवर के रूप में जो जल रहता है उनमें मैं समुद्र हूँ।
और आयुधानाम धनुराम त्रिपिरघ्नो धनुष्मताम। आयुधों में मैं धनुष हूँ और धनुर्धारियों में मैं त्रिपुर का नाश करने वाला जो शंकर है, रुद्र है, जिसने त्रिपुरासुर को मारा, सात्विक राजस तामस तीनों पुरियों का संहार जिसने किया वो मैं हूँ। धिष्णियानाम अस्म्यहम मेरुर गहनानाम हिमालयः वन वनस्पति नाम अश्वत्था औषधि नाम हम जवः। रहने के जितने स्थान हैं उनमें मैं मेरु हूँ और जिनमें जाना कठिन है ऐसे स्थानों में मैं हिमालय हूँ और वनस्पतियों में मैं अश्वत्थ हूँ पीपल और औषधि नाम हम जवः औषधियों में मैं जव हूँ। ये वृक्ष उसको कहते हैं जो काटने पर नष्ट होते हैं, जिनको काट दिया जाए तब तो नष्ट हो, नहीं तो हर साल फल देते रहते हैं। और औषधि उसको कहते हैं कि जो हर साल अपने आप फल करके सूख जाती है। तो फल करके सूख, फल दे करके सूख जाने वालों में औषधियों में मैं जव हूँ। इसको बहुत शांत भोजन, शांत वृत्ति का भोजन यव को मानते हैं हो, हविष्य हविष्य अन्न। पुरोहितानाम वशिष्ठो हम ब्राह्मिष्ठानाम बृहस्पति। पुरोहितों में मैं वशिष्ठ हूँ और वैदिकों में मैं वेद के वेदार्थनिष्ठों में मैं बृहस्पति हूँ। स्कंदो हम सर्वसेनान्याम सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। अग्रण्याम भगवान अजह और संपूर्ण अग्रणियों में मैं ब्रह्मा हूँ। यज्ञानाम ब्रह्म यज्ञो हम व्रतानाम अभिहिंसनम। यज्ञों में मैं ब्रह्म यज्ञ हूँ और व्रतों में मैं अहिंसा हूँ। वायुवग्निर काम विभाग आत्मा शुचि नाम अभ्यहम शुचि ही। और शोधक जितने पदार्थ हैं शुद्ध करने वाले, उनमें भगवान बताते हैं कि हवा मैं हूं। हवा लगने से चीज स्वयं शुद्ध हो जाती है। और आग मैं हूं और सूरज मैं हूं और जल मैं हूं और पानी मैं हूं और मन भी मैं हूं, ऐसा भी कहते हैं। तो ये क्या है? तो देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं जो धरती में पड़ी रहे, सूख जाए तो अपने आप सूख हो जाते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं, हम लोगों के घरों में पहले ऐसा था कि जैसे बर्तन होते थे ना, बर्तन तो कभी कुत्ता खा जाता था बर्तन में, तो उस बर्तन को आग में जला के उसको ये मिट्टी पानी से मांगने से वो शुद्ध नहीं होगा, वो आग में जलाने से शुद्ध होगा, ऐसा अपनी तरफ क्या परातर स्मृति में धर्मशास्त्र में जो पवित्र करने के विधान बताए हुए हैं उनमें से ये है कि अगर कुत्ता सरीखा जानवर कोई बर्तन को अशुद्ध कर जाए तो उसको फिर से आग में जला के तब उसकी शुद्धि होती है, पानी और मिट्टी से नहीं होती है। अच्छा, कई चीजें होती हैं वो कभी अपनी कुदृष्टि किसी पर पड़ जाए, आंख अशुद्ध हो गई ना, आंख अशुद्ध हो गई तो उसको कैसे करना, तो सूरज की ओर देख लेने से फिर आंख की शुद्धि हो जाती है। कई चीज पानी में धो लेने से, कपड़े में कोई दाग लग गई, शरीर पर कहीं लेप हो गया कोई, तो वो पानी में धो लेने से शुद्ध हो जाते हैं। कई वस्तु ऐसी होती है जिसकी शुद्धि अशुद्धि के बारे में लौकिक दृष्टि से नहीं जाना जा सकता, तो ब्राह्मण अपनी जबान से कह दे कि ये शुद्ध है, ये यज्ञ में काम लेने लायक है, तो वो शुद्ध हो गई। कई वस्तु ऐसी है कि जब मन मान ले कि ये पवित्र है तब उसको पवित्र मान के खाना पीना काम में लाना, अगर मन में शंका बनी रहे कि इसमें कुछ गंदगी है तो उस चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सब पवित्र पदार्थों में पवित्र करने वाले वायु अग्नि सूरज जल वाणी और मन के रूप में परमात्मा ही बैठा हुआ है। जो जानाम आत्म संरोध हो मंत्रोस्मि विजिगी सताम आनीक्षिकी कौशलानाम विकल्प ख्यातिवादिनाम।
तो भाई योग तो बहुत है। भगवान कहते हैं उसमें जो मन का बिल्कुल रुक जाना समाधि है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों का जो निरोध है वो निरोधात्मक योग मेरी विभूति है। मंत्रोस्मि विजिगीषताम्। और जो लोग दूसरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वो जो सलाह मशविरा करते हैं ना आपस में, जो मंत्र बनाते हैं, नीति बनाते हैं, वो नीति जो है जिससे जीत होती है, जीत कराने वाली नीति मैं हूं। आनीक्षिकी कौशलानाम, अरे कौशल तो बहुत है, अपनी कुशलता दिखा देना। तो हम इस काम में बड़े निपुण हैं, कोई रसोई में बड़ा कुशल होता है, रसोई बनाने में, कोई मशीन बनाने में बड़ा निपुण होता है, कोई मकान बनाने में बड़ा निपुण होता है, कोई महाराज कमाऊ पूत होता है, पैसा कमाने में बहुत निपुण होता है, कुशल है। तो भाई बड़े कुशल हैं, बोले कुशल के भीतर जो भाव है उसका नाम कौशल है। तो सबसे बड़ा कौशल कौन सा है? तो भगवान ने बताया आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी माने आत्मा और अनात्मा, इन दोनों का अन्वीक्षण करके अलग अलग कर लेना कि ये देह है और ये आत्मा है। देह से अपने आत्मा को अलग निकाल लेना, यही सबसे बड़ा कौशल, यही सबसे बड़ी कुशलता है। विकल्प ख्याति वादिनाम। महाराज कोई कहते हैं कि आत्मख्याति है, कोई कहते हैं सत ख्याति है, आत्मख्याति असत ख्याति ही, कोई कहते हैं कि विज्ञान ही संसार के रूप में प्रकट हुआ है, कोई कहते हैं शून्य ही संसार के रूप में प्रकट हुआ है। तो विज्ञान संसार के रूप में प्रकट हुआ है, ये विज्ञानवाद की आत्मख्याति है, और शून्य ही संसार के रूप में प्रकट हुआ है, ये शून्यवादियों की शून्य ख्याति है। तो इस प्रकार से तरह तरह की ख्याति जो सिद्धांत है, अन्यथा ख्याति है, कोई मानते हैं वेदांती लोग दिखता है, जाहिर होता है, वो किस ढंग से जाहिर होता है, इस बात को लेकर के माने ये जगत कैसे प्रकट हुआ है, शून्य में कि विज्ञान में कि ब्रह्म में कैसे प्रकट हुआ है, इसके संबंध में जितने वाद विवाद हैं, उन सब वाद विवादों में जो विकल्प है ना, विकल्प है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ये जो कल्पना शक्ति की प्रचुरता है, उस विकल्प के रूप में भगवान कहते हैं कि मैं हूं। विकल्प योग दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है, वो अभी भागवत में भी सायंकाल की कथा में आया था, एतावान आत्मसम्मोहो यद विकल्पस्तु केवले, विविधत्व की कल्पना का असल में जितनी ख्यातियां हैं ये सब कल्पना मात्र ही है, एक परमात्मा ही सत्य है। तो ये विविधता की कल्पना के रूप में उदय होने वाला जो परमात्मा है, जिस अधिष्ठान सत्ता से विविधम कल्पियते, जिस अधिष्ठान सत्ता से विविध प्रकार की कल्पना होती है, वो अधिष्ठान सत्ता मैं। श्रीराम तु सतरूपाहम पुंसाम स्वयंभुवो मनुहु, स्त्रियों में मैं सतरूपा हूं। सतरूपा माने श्रद्धा हो, हाँ श्रद्धा को ही सतरूपा हो, जो सौ सौ रूप ग्रहण करती है, सतरूपा जो है। मनु माने मनन, मनन का नाम है मनु, ये ब्रह्मा जी के पुत्र है ना, मनु और सतरूपा। तो मनुष्य के अंदर विचार तो बहुत होए लेकिन श्रद्धा ना होए, तो वो अकेला विवेक सृष्टि नहीं करता है, अकेले पुरुष से, अकेले मनु से, अकेले मनन से सृष्टि नहीं होती है, उसके साथ श्रद्धा भी चाहिए। और श्रद्धा तो बहुत हो लेकिन विवेक ना हो तो उससे भी सृष्टि नहीं होगी। तो श्रद्धा और विवेक के संयोग से यह भी समझ सकते हैं कि सतरूपा जो है वो तो श्रद्धात्मक निधिध्यासन है, और मनन जो है वो युक्त्यात्मक विवेकात्मक मनु है,
ये दोनों मिल करके श्रुत अर्थ को प्रकाशित करते हैं, परमात्मा को प्रकट करते हैं। तो स्त्रियों में सतरूपा श्रद्धा के रूप में भगवान है और पुरुषों में स्वयंभुव मनु के रूप में विवेक के रूप में भगवान है। जैसे एक रथ के दो पहिए होते हैं वैसे ये संसार का जो रथ चल रहा है इसके ये दो पहिए हैं, एक सतरूपा श्रद्धा और एक मनु स्वयंभुव मनु विवेक। नारायणो मुनीनाम च कुमारो ब्रह्मचारिणाम। मुनियों में सबसे बढ़िया मुनि बोले नारायण मुनि। नारायण मुनि जिन्होंने अपने आश्रम में स्वर्ग की अप्सराओं को, बसंत को, मलयानिल को, काम को हैं, बोले अतिथि होकर के हमारे आश्रम में रहो, नाराज नहीं हुए। तो क्यों? तो बोले बहुत दिनों से हम अकेले रह रहे थे, आश्रम सूना पड़ा था, अब थोड़े दिन चाल पाल रहेगी, आप लोग भी अब यहाँ विराजिए। वो क्रोध नहीं आया, काम नहीं हुआ, क्रोध नहीं हुआ, और बल्कि उनको कुछ दान दक्षिणा दे के है? एक उर्वशी और उनको दे करके विदा किया। अच्छा जाओ, काम नहीं, क्रोध नहीं और उदारता भी। का मुनियों में नारायण मुनि। कुमारो ब्रह्मचारिणाम, ब्रह्मचारियों में बोले कुमार। कुमार माने सनत कुमार, सनातन, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा के कुमार हैं। ये लोग, इन लोगों ने महाराज संसार के डर से अपनी उम्र को रोक दिया। काल से कहा कि देखो हमारे शरीर में 5 बरस से अधिक उम्र प्रकट नहीं हो गए, भले हो गए 1000 बरस के लेकिन देखने में 5 ही बरस के लगे। कुमारो ब्रह्मचारिणाम धर्माणाम अस्मि सन्न्यास। धर्म तो बहुत सारे हैं पर उनमें सन्यास धर्म में हूं। सन्यास धर्म जो है वो विलक्षण है। सन्यासी का धर्म है अभयदान। अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा प्राव्राज्यमाचरेत्। अब हमसे किसी को डर नहीं है, डराना नहीं किसी को। इसका मतलब ये हुआ साप नहीं देना, गाली नहीं देना, अनिष्ट नहीं चाहना, अपराधी को भी दंड नहीं देना। जा भाई तू अब हमारी ओर से निर्भय है। तो धर्माणाम अस्मि सन्न्यास, वो 3 प्रतिज्ञा सन्यासी की होती है, वही उसका धर्म है। एक तो संसार के तमोगुण से, रजोगुण से और सत्वगुण से, तीनों से हमारा कोई संबंध नहीं है। तीनों में बरतते हुए भी, देह इंद्रियादि के द्वारा तीनों में बरतते हुए भी हम तीनों से जुदा हैं, तीनों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। एक संकल्प सन्यासी का ये है, बोला सत्व रज तम जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेजस प्राज्ञ ब्रह्मा विष्णु महेश। इन सब के साथ व्यवहार, शरीर देह इंद्रियादि के द्वारा व्यवहार करते हुए भी इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। एक सन्यासी का संकल्प ये होता है, इसको प्रैषोच्चारण बोलते हैं सन्यासी। और एक होता है सन्यास संसार का, कोई प्राणी मुझसे भय नहीं करे क्योंकि सब मेरी आत्मा है, भयभीत करना हमारा काम नहीं है। और तीसरी प्रतिज्ञा ये है कि जाना आना नहीं है। पूर्णता हो जाने से अब न स्वर्ग में जाना है, न ब्रह्मलोक में जाना है, न वैकुंठ में जाना है, न मुक्ति पद में जाना है, वो तो अपना स्वरूप है। ये सन्यास धर्म है। तो धर्माणाम अस्मि सन्न्यास सेवाणाम अवहिर्मति। अब कोई समझे चाहे कि हमेशा हमारा भला हो रहे, कभी हमको दुख न होवे, हमेशा हमारा कल्याण ही कल्याण होवे, बोले अगर ऐसा कोई चाहता हो तो उसमें भगवान कौन सा रूप धारण करके निवास करेंगे? बोले अबहिर्मति ही, बुद्धि बाहर न जाए। दुर्गा पाठ के कवच में आया है
पदम एकम न गच्छेत तू यदि छेत शुभम आत्मना। अगर अपना भला चाहते हो तो एक कदम भी चलो मत। बोले बिना चले तो रहा नहीं जाता। कवचे नावृतो नित्यम जत्र जत्र गच्छति। दुर्गा कवच जो है उसको धारण कर लो, फिर चाहे जहां जाओ। तो ये बताते हैं कि अबहिर्मति ही बहिर्मुखता छोड़ करके अंतर्मुख हो करके रहो तो देखो कोई दुख नहीं है। अपने मन को मोड़ करके रहो, संसार में कोई दुख नहीं है। वो आपको सुनाया ना कि एक बार हम लोग जेठ की दोपहर में एक महात्मा के पास थे। तो वो तो गंगा किनारे उनकी कुटिया बनी हुई थी, उसमें चारों तरफ वृक्ष थे, छाया थी, कुटिया में वो बैठे हुए। बोले भाई बाहर गर्मी है? कहाँ, गर्मी तो बहुत है महाराज बाहर। तो बोले भीतर हो जाओ, है ना, भीतर हो जाओ माने हमारी कुटिया में आ जाओ, है ना। और उनका क्या मतलब, बाहर अगर गर्मी मालूम पड़ती है संसार में तो भीतर हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, अपने हृदय में हो जाओ। अपने हृदय में हो जाने से बढ़ करके, अंतर्मुख हो जाने से बढ़ करके अपने कल्याण का दूसरा मार्ग नहीं है। दुज्ञानाम सुनृतम मौनम मिथुनानामजस्त्वहम। अच्छा गुप्त साधना क्या है? गुप्त से गुप्त साधना जो छिपा करके रखने लायक है। बोले भाई गोल बात है, बोलो तो प्यारा बोलो, प्रिय बोलो, और नहीं तो चुप रहो। बस ये दो बात अगर जिंदगी में तुमने अपना ली तो तुमको जीवन का गुप्त मंत्र मालूम हो गया। गुज्ञानम सुनृतम, सुनृतम माने प्रियम, मौनम बोलो तो प्रिय बोलो, नहीं तो मौन रहो। कटु बोलने की अपेक्षा तो न बोलने ही अच्छा है। मिथुनानाम अजस्त्वहम। और संसार में जो जोड़े हैं स्त्री पुरुष, उनमें सबसे बढ़िया जोड़ा कौन है? बोले ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा का जोड़ा क्यों सबसे बढ़िया? तो आप कभी देखते हैं ब्रह्मा के साथ किसी स्त्री का चित्र आपने देखा है कभी? जोड़ा है, सृष्टि तो करते हैं ना। मनु और शत्रुपा दोनों ही उन्हीं के शरीर में से निकले हैं। शत्रुपा कहां से निकली? तो ब्रह्मा के बाएं अंग से। और मनु कहां से निकले? तो ब्रह्मा के दाहिने अंग से। तो उनके बाएं और दाहिने अंग में स्त्री पुरुष दोनों समाये हुए हैं। तो सबसे बढ़िया स्त्री पुरुष कौन है? है ना, जिनका अलगाव न मालूम पड़े। अलगाव न मालूम पड़े माने कभी मतभेद न हो, मन मिलाए के जो रहे, मन मिलाए के जो रहे। हाँ, जो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जो है उसमें पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, ये दोनों अलग अलग नहीं है। वो वेद में स्त्री पुरुष का जो वर्णन आया है बहुत विलक्षण है। अमोहमस्मि सात्वम, मैं आकाश हूं तुम धरती हो। सामाहमस्मि ऋक्त्वम, मैं सामवेद का संगीत हूं और तुम ऋचा हो, ऋग्वेद की ऋचा हो। जैसे ऋचा और संगीत जुदा नहीं है, जैसे पृथ्वी और आकाश जुदा नहीं है, इसी प्रकार पति पत्नी तो वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं जो एक में मिल गए, समा गए। जहां द्वैत में एकत्व हो गया उसका नाम बढ़िया जोड़ा है। संवत्सरोस्म्यनिमिताम ऋतूनाम मधुमाधवौ मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् नक्षत्राणाम तथा विजित। जो बिना पलक गिराए चलते रहते हैं उनमें मैं संवत्सर हूं। संवत्सर वर्ष साल है ना, एक पलक के लिए भी रुकता नहीं, चलता रहता है। और ऋतुओं में बोले मैं मधु माधव बसंत ऋतु हूं, और महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, और नक्षत्रों में अभिजित हूं। अभिजित नक्षत्र जो है वो पृथक नक्षत्र नहीं होता है। उत्तराषाढ़ का एक चरण
और श्रवण का एक चरण, ये दो नक्षत्रों का एक एक चरण मिला करके अभिजित नक्षत्र बनता है। हाँ, वो नक्षत्र होने पर भी 27 के अंदर गिना गया नहीं है, 28वां है, सबसे जुदा है। जो उसी नक्षत्र में स्थित होता है ना, वो विजय को प्राप्त होता है, विजयी होता है, ये काल से परे ले जाता है। अच्छा, अब और जो प्रसंग है विभूति का, वो कल, कल ये विभूति वाला प्रकरण पूरा कर देंगे और परसों रविवार को नंदोत्सव करेंगे। हो, नंदोत्सव सुनावेंगे, वो मंगलमय है।